तो असं वे पे अज टूवैल नहाँ वास्ते तो मेरे नाल ए मेरा दोस्त है जो बड़ा वड्डा यूट्यूबर एंकर बनया है। देखो कैमरा स्टैंड इन्हें हाथ पकड़े ये कहता यार उ बड़ी बेहतरीन करके वीडियो बनानी। मैं क्या चलो ठीक है हूँ असं जा रहे हैं ट्यूबवैल से नहाने वास्ते। ट्यूबवैल जरा तो दिखावे बड़ा ही जबरदस्त बड़ा खूबसूरत नीले पानी वाला तो बड़ा हाई फाई ट्यूबवैल जरा तो दिखावे तो तुम वेख के इंशाल्लाह खुश होवोगे। तो साढ़े इस विलाग में तुम लाइक करो शेयर करो अगर तुम पसंद आए सबसक्राइब चैनल नू करना बिल्कुल ना भूलो क्योंकि सबसक्राइब करने से तुहाडा कोई खर्चा नहीं होंदा ते साडी हौसला अफजाई हो जाती। दोस्तों दोस्तों असं अपने सफर से गामजन है सफर दे विच मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। सफ़र थोड़ा लंबा है लेकिन बड़ा ही खूबसूरत प्यारा सफ़र होने वाला साढ़ा ये बड़ी खूबसूरती बड़ा प्यारा सफ़र बड़ी कमाल की वीडियो आने वाली है। तुसा इस वीडियो में जरूर एंड तक देखो ते दोस्तों ये तुहानू दिखा देंदे जाइए एक स्विमिंग पूल है साढ़े बिल्कुल सामने आ गया करीब आ गया। देखो जी ये स्विमिंग पूल ने एक ट्यूबवैल वो ट्यूबवैल चलता पे वो वाला चलता पे चौधरी एक स्विमिंग पूल ये वाला बड़ा खूबसूरत बने हुआ ये चौधरी स्विमिंग पूल है तू आएगा तो तेन पता लगेगा बनाया जा रहा है फैमिली वास्ते। दोस्तों इर्द गिर्द माहौल खूबसूरत देहाती मनाजर धुप काफ़ी ज़्यादा गर्मी ऐ देखो कुत्ता भी जा रहा है किसी ट्यूबवैल के करीब करीब यदा नाम है नहीं लगा वो एक जा रहा वो पिंड पैलियाँ देखो खेतों के वल मूह ये मेरा यार है इनू आप कभी इस तरह नहीं कह सकते तो वैसे दिल से लै गया ना गुस्सा कर गया तुम्हें तो दसते जावे बड़ा ही खूबसूरत रस्ता बड़े प्यारे मनाजर बड़ी ही प्यारी रौनक वाली महफिल वाली खूबसूरती वाली जगह वास्ते चले कम अज कम सू 1.5 किलोमीटर का सफर पैदल करना पाया मेन रोड तो आज के दोस्तों ये फिर साढ़ा एक और दोस्त जड़े गर्मी तो तंग हुए फिर मूड खराब है तो साढ़े को रोस के जा रहे परे दोस्त मेरा कह रहा है कि गर्मी ज़्यादा नहीं लग रही लग तो रही होनी है तेनों क्योंकि क्योंकि मौसम गर्मी का तो जा रहे हैं पानी वाल शिद्दत प्यास ही बढ़ती जा रही दोस्तों ये बड़ा ही खूबसूरत रास्ता बड़ा प्यारा रास्ता अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज आपको एक ऐसे ट्यूबवेल की सैर करवाने लगे हैं जो देखकर आप बहुत खुश होंगे और इस तरह का ट्यूबवेल आपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों ये इंतहाई खूबसूरत और अच्छा ट्यूबवेल है जिस पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया गया है और इस पे मार्बल वगैरह और काफ़ी ज़्यादा अच्छी किस्म की टाइल्स लगा के इसको बनाया गया है। इसकी बनावट ऐसी है कि इसमें पानी नीले कलर का नज़र आता है और पानी नीला नज़र आने के बाद इसकी खूबसूरती और लाइटिंग सिस्टम ऐसा है कि ऐसे लगता है ये एक अजूबा है। दोस्तों इसके चारों तरफ फूलदार और फलदार दरख्त और पौधे लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती है। इसके साइडों पे काफ़ी ज़्यादा खेत वगैरह लगे हुए हैं खेत बने हुए हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फलदार फूलदार दरख्त पौधे और खेत इसकी रौनक को दुबारा किए हुए हैं। दोस्तों ये देखें मुख्तलिफ स्टेप्स बने हुए हैं इस ट्यूबवेल के जहाँ पे नहाने का अपना ही मज़ा है यहाँ पे बड़े बंदों के लिए एक अलहदा स्टेप बना हुआ है सेटअप बना हुआ है ये गहराई वाला हिस्सा जहाँ पे बड़े लोग नहाते हैं यानी कि ज़्यादा उम्र के लोग नहाते हैं और यहाँ पे साइड पर ये कुछ स्टेयर बनी हुई हैं जिनसे उतर के बंदा नहा सकता है या बच्चे भी उतर के नहा सकते हैं।
ये गहराई आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी और खूबसूरत गहराई, और ये साइड पे इसका व्यू बहुत प्यारा है। देखिए पानी का जो ड्रेन सिस्टम है ये आप देख लें कि कितनी खूबसूरती से इसको स्टेप बाय स्टेप ड्रेन किया गया है, और ड्रेन पानी को मुख्तलिफ पॉन्ड के ज़रिए और मुख्तलिफ ड्रेन रास्तों से ड्रेन किया गया है। ये देखें खूबसूरती में इजाफे के लिए इसके मुख्तलिफ स्टेप बनाए गए हैं। यहाँ पे छोटे बच्चे नहा सकते हैं, छोटे बच्चों के नहाने के बाद ये पानी ड्रेन होकर बाहर चला जाता है। तो इसमें खूबसूरती, ये फूल और फलदार दरख्त पौधे और इसके इर्द गिर्द का माहौल ट्यूबवेल की रौनक को दुबला किए हुए है। दोस्तों इस तरह का ट्यूबवेल नहाने के लिए बहुत ही खूबसूरत और नहाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार साबित हो सकता है। दोस्तों इसका नक्शा बहुत ही एक आला और कोई एक्सपीरियंस पर्सन से बनवाया गया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना।